पोजिशन ऑफ बॉडी अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशन फोर्स यह सिंपल अपन ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस बोल सकते हैं सो इट इज द एनर्जी ड्यू टू पोजिशन ऑफ बॉडी अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स तो मोस्टली पोटेंशियल एनर्जी जो रहते है ना वो ड्यू टू पोजिशन ऑफ बॉडी रहते हैं और इसको अपन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्यों कहते हैं क्योंकि वो जो बॉडी रहती है वो अंडर द इन्फ्लुएंस मतलब उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करता है इसलिए अपन इसको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं इसका फार्मूला क्या होता है अगर जैसे ये अर्थ है अर्थ का रेडियस क्या अगर मैंने आर मान लिया और अगर कोई बॉडी है अर्थ के सरफेस से कितनी हाइट है उसकी एच एच है बॉडी का मास एम है और का मास में कैपिटल एम बोल देता हूँ तो जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी रहती है इसको मैं जी पी से डिनोट कर रहा हूँ उसका फार्मूला रहता है माइनस जी एम स्मॉल एम ओपन आर प्लस एच एम क्या मास ऑफ द अर्थ स्मॉल एम क्या मास ऑफ द बॉडी आर के रेडियस ऑफ अर्थ और एच के हाइट ऑफ द बॉडी फ्रॉम द अर्थ सरफेस तो ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला हो गया और वो कैपिटल जी क्या अपना ग्रेविटेशनल यूनिवर्सल कॉन्स्टेंट तो इसकी वैल्यू क्या रहती है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट की सिक्स पॉइंट सिक्स सेवन इंटू टेन के बारे माइनस इलेवन न्यूटन मीटर स्क्वायर के जी के पार माइनस टू अब एक इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी निगेटिव है ये निगेटिव क्यों रहती है क्योंकि जो बॉडी है ना वो अर्थ से बाउंडेड है बाउंडेड कैसे क्योंकि अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स के वजह से बाउंडेड है अगर इसको इस बाउंडनेस से निकलना है तो इसको अपने को काइनेटिक एनर्जी देनी पड़ेगी काइनेटिक एनर्जी कितनी देनी पड़ेगी पॉजिटिव जी एम एम ओपन आर प्लस एच मतलब इसका एग्जैक्टली पॉजिटिव अगर इन दोनों को अपन ने सम, सम कर दिया एड कर दिया तो तब इसका इफेक्ट कैंसिल हो जाएगा मतलब इतनी काइनेटिक एनर्जी दे दी तो ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का जो बाउंडनेस है वो खत्म हो जाएगा तो ये अपना ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का कंसेप्ट हो गया क्लास सिक्स से लेके नीट आई आई टी मेन्स और एडवांस के लेवल तक दस मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउट नट या व्हाट्सअप कीजिए अपने डाउट्स आठ चार सौ चार सौ चार सौ पर